ये कहानी भारत के जंगलों में रहने वाले छोटे बच्चे की है, जिसका नाम है मोगली। ये एक अनाथ बच्चा है, और जब ये छोटा था तब बगीरा नाम का ब्लैक पैंथर इसे अपने साथ ले आया, और भेड़ियों के राजा रानी अकेला और रक्षा ने इसे अपने बच्चे की जैसे पाला। अब मोगली बड़ा हो गया था और बगीरा उसे भेड़ियों की तरह भागना सिखा रहा था, पर इंसान का बच्चा होने की वजह से उसे ये सब सीखने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अब मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगा। बारिश रुकी तो पहले पतझड़ आया, और फिर गर्मी ऐसी पड़ी कि जमीन पहले पीला हुआ और फिर काला पड़ गया। इस गर्मी में जब सभी जानवरों को पानी का एक तालाब दिखा तो जंगल के सभी जानवर वहाँ पानी पीने के लिए इकट्ठा हो गए। उस जंगल का एक रूल था, भूख से पहले प्यास, इसीलिए पानी पीते टाइम कोई भी एक दूसरे का शिकार नहीं कर सकता था। अब वहाँ टाइगर आ जाता है, जिसका नाम शेर खान था, जिसे देख सभी जानवर डर जाते हैं। उसे वहाँ मोगली की स्मेल आने लगती है, और वो कहता है कि इस इंसान के बच्चे को मुझे दे दो, पर अकेला बोलता है कि ये हमारा बच्चा है और ये हमारे ग्रुप का है। शेर खान का कहना था कि ये एक इंसानी पिल्ला है, और जब ये बड़ा होगा तो सभी जानवरों के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए इसे मेरे हवाले कर दो। पर रक्षा और अकेला शेर खान को भगा देते हैं। शेर खान कहता है, कुछ भी एक जैसा नहीं होता, बारिशें फिर से आएंगी और सब समझौता टूट जाएगा, क्योंकि उनके बीच समझौता था कि जब तक सूखा है तब तक कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बरसात का मौसम आ जाता है और तालाब भर जाते हैं। भेड़ियों का इलाके में सभी भेड़िए ये डिसाइड करते हैं कि मोगली को कैसे बचाना है, क्योंकि मोगली को अपने साथ रखना मतलब शेर खान से पंगे लेना। ये सब देख मोगली उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। और बघीरा भी मोगली की बात से सहमत होता है और कहता है इसकी भलाई इसी में है कि वो अपने जैसों के साथ रहे, मतलब इंसानों के साथ। अब बघीरा मोगली को इंसानों की बस्ती तक छोड़ने जाता है। रास्ते में उन्हें हाथियों का भी झुंड मिलता है, जिन्हें देख वो दोनों उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि हाथियों ने ही जंगलों को बनाया और सही सलामत रखा। अब दोनों एक बड़े से फील्ड से जा रहे होते हैं, पर तभी शेर खान उन पे अटैक कर देता है। बघीरा मोगली को भागने को बोलता है और खुद शेर खान से लड़ने लगता है। मोगली शेर खान से बचते बचते बफेलो के झुंड में चले जाता है, और एक बफेलो के पीठ पे चढ़ के दूर चले जाता है और शेर खान से बच जाता है। अब मोगली को ना पकड़ पाने की वजह से शेर खान अकेला के इलाके में जाता है और अकेला को मार देता है, और ये ऐलान करता है कि जब तक मोगली उसे नहीं मिलता ये इलाका उसका है। अब दूसरी तरफ मोगली को होश आता है, और वो देखता है कि बफेलो एक बहुत ही खतरनाक जगह से जा रहे थे, और आगे बारिश की वजह से चट्टान उन पे गिरने वाले थे। मोगली तुरंत नीचे नदी में छलांग लगाता है, और नदी उसे एक घने जंगल में ले जाती है। जंगल बहुत ही घना था और डरावना भी था। मोगली को वहाँ कुछ फ्रूट्स दिखते हैं, जिन्हें खाने के लिए वो बैठ जाता है, और तभी वहाँ पे कुछ छोटे जानवर आते हैं और उससे वो फ्रूट लेके भाग जाते हैं। उन छोटे जानवरों का पीछा करते करते उसे वहाँ का नाम की एक बड़ी सी सांप मिलती है। वो मोगली को अपने वश में कर लेती है, और फिर उसे इल्यूजन से दिखाती है कि किस तरीके से शेर खान ने उसके डैड को मार दिया जब वह छोटा था। पर शेर खान को भी आग से चोट लग गई, जिस वजह से वो मोगली को नहीं देख पाया। फिर बघीरा नाम के पैंथर ने उसे देखा और अपने साथ ले आया। अब इल्यूजन में रख के का मोगली को खाने वाली थी, पर बल्लू नाम का भालू वहाँ टाइम पे आता है और मोगली को बचा लेता है। जब मोगली को होश आता है तो वो अपने को एक गुफा में पाता है, और उसके सामने बल्लू भालू होता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और वो उससे मधुमक्खी के छत्तों से शहद लाने को बोलता है, क्योंकि बल्लू वहां तक चढ़ नहीं सकता था। अब मोगली अपने ट्रिक लगा के छत्ते को तोड़ देता है और बहुत सारा शहद नीचे फेंक देता है।
और वहाँ पे सब जानवर शहद खाने लगते हैं। अब मोगली कहता है, हमारा हिसाब बराबर हुआ, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। बल्लू उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि हम दोनों मिलके सर्दियों के लिए बहुत सारा शहद इकट्ठा कर सकते हैं। पर मोगली कहता है कि उसे इंसानों की बस्ती में जाना है और ऐसा बघीरा ने कहा है। इसीलिए बल्लू मोगली को इंसानों की बस्ती तक छोड़ने जाता है, पर वहाँ पहुँच के वो फिर उसे कहता है कि फिर से सोच ले, हम दोनों मिल के अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत सारा शहद इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर तुझे यहाँ मन नहीं लगा तो मैं तुझे खुद इंसानों की बस्ती तक छोड़ने आ जाऊँगा। और यह बात मोगली मान जाता है। अगली सुबह मोगली, बल्लू और बल्लू के दोस्त शहद निकालते हैं और मोगली की हेल्प से वो सर्दियों के लिए बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेते हैं। अब बल्लू और मोगली नदी में नहा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे बघीरा आ जाता है और मोगली उसे देख के बहुत खुश होता है। मोगली फिर बघीरा को बताता है कि किस तरीके से उसने बल्लू के साथ मिलके काम किया, पर बघीरा को ये सब पसंद नहीं आया क्योंकि उसके अनुसार भेड़ियों को इंसानों के तरीके से काम नहीं करना चाहिए और मोगली को भी भेड़ियों के तरीके से काम करना चाहिए। अब बघीरा बोलता है कि हम कल सुबह अपने इलाके के लिए निकल जाएंगे, पर रात में मोगली को हाथियों की आवाज़ आती है क्योंकि एक छोटा हाथी गड्ढे में गिर गया था और इसीलिए वो सब मदद के लिए पुकार रहे थे। मोगली वहाँ जाता है और अपने इंसानों वाले जुगाड़ से उस छोटे हाथी को गड्ढे से निकाल लेता है। ये सब पीछे से बघीरा और बल्लू देख रहे थे, जिसे देख के वो बहुत ही खुश होते हैं, पर मोगली की जान अभी भी खतरे में थी, इसीलिए बघीरा बल्लू से मोगली को समझाने के लिए कहता है। बल्लू उसे अपने इलाके से जाने को बोलता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। ऐसा सुन के मोगली बहुत ही सैड हो जाता है और पेड़ पे जाके बैठ जाता है, और तभी कुछ बंदर आते हैं और मोगली को उठा के अपने इलाके में ले जाते हैं जहाँ एक केव थी। बघीरा और बल्लू भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो सब मोगली को एक बड़े से चिंपैंजी के पास ले जाते हैं जिसका नाम था लुई और जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो उससे बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक चीज़ की, और वो है रेड फ्लावर। ये जानवर आग को रेड फ्लावर समझते थे, इसीलिए वो मोगली को आग लाने को बोलता है जो कि इंसानों के पास होता है। मोगली भी इंसान था, इसीलिए लुई उससे रेड फ्लावर लाने को बोलता है। तब तक बघीरा और बल्लू भी आ चुके थे, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग बल्लू लुई को अपनी बातों में फंसाता है और बघीरा मोगली को लेके भाग जाता है। लुई देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मोगली को पकड़ने के लिए खुद जाता है, पर लुई के तोड़फोड़ की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है और वो उसके अंदर दब जाता है। इसी बीच बघीरा से गलती से मुंह से निकल जाता है कि अकेला को शेर खान ने मार दिया। ये सुन के मोगली बघीरा से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसने ये बात उससे छुपाई थी। फिर मोगली वहाँ से भाग के इंसानों के पास जाता है आग लाने के लिए ताकि वो शेर खान को मार सके, पर जब वो शेर खान के पास आग लेके जाता है तो रास्ते में कुछ आग की चिंगारी नीचे गिर जाती है जिससे जंगल के कुछ पार्ट में आग लग जाती है। वो शेर खान के पास पहुंचता है पर मोगली के पास आग देख के सब जानवर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मोगली भी बाकी इंसानों जैसे बन गया, और इस पे शेर खान उन जानवरों को मोगली के खिलाफ और भड़का देता है ताकि सभी को मोगली से नफरत हो जाए। पर मोगली आग को पानी में फेंक देता है ताकि उसका विश्वास बाकी जानवरों में बना रहे। अब शेर खान को क्या चाहिए था, वो इसी चीज का वेट कर रहा था कि कैसे भी करके वो मोगली से आग फेंकवा दे, इसीलिए अब वो मोगली पे अटैक करने के लिए बढ़ता है ये सोच के कि बाकी जानवर उसकी हेल्प नहीं करेंगे। पर बल्लू आगे बढ़ता है और शेर खान से लड़ पड़ता है, इस पे बाकी जानवर भी शेर खान पे टूट पड़ते हैं। बघीरा मोगली से कहता है कि तुम अब इंसानों जैसे लड़ो, इसीलिए मोगली भाग के उस जंगल के पार्ट की तरफ जाता है जहाँ आग लगी थी। उसे भागता देख शेर खान भी उसके पीछे भागने लगता है। मोगली अपने दिमाग लगाता है और सूखे पेड़ पे चढ़ जाता है और अपने लिए रास्ता बनाता है
जब शेर खान मोगली के पास आता है तो भार होने की वजह से टहनी टूट जाती है और शेर खान आग में गिर जाता है और मोगली खुद के रस्सी से अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पे शेर खान अब मर चुका था, पर अभी भी जंगल सलामत नहीं था क्योंकि वहाँ आग लगी हुई थी। इसीलिए वही हाथी आते हैं जिनकी मदद मोगली ने की थी। वो हाथी झरने के पानी का रास्ता बदल के आग की तरफ कर देते हैं, जिससे आग मुझ जाती है। अब उस जंगल को किसी से भी खतरा नहीं था क्योंकि अब शेर खान मर चुका था और मोगली भी अब भेड़ियों, बघीरा और बल्लू के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड मूवी मानी जाती है, जिससे इंडियंस पसंद करते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। थैंक यू।